السلام عليكم يا حبيب الله. ये गरीब बोला तो आप लोग परेशान हो जाते भाई, गांव रहा गांव रहा बात परेशान। एक हदीस में आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक उमरे वाले का सलाम का जवाब मैं दे देता, हर एक हाजी का सलाम का जवाब मैं दे देता। सहाबा ताज्जुब में बड़े कि या रसूलल्लाह, वो कितना बदनसीब आदमी होगा, कितनी बदनसीब औरत होगी और आपको सलाम कर रही है और आप सलाम का जवाब दे देते। खबूल बड़ी थोड़ी देर की बात फरमाया, याद रखो जिसके चेहरे पे डाली ना हो वो आके मुझे सलाम कर उसके जवाब नहीं दे दो। नियत कर लो, घबराओ नहीं, इरादे कर लो। बोला जो औरत है उसके अखलाक बदलाना, पुराने अखलाक ही रहे तो उसका भी जवाब नहीं दे दो। तो सलाम पढ़े अदब से करना, सिद्दीक अकबर है, उमर फारूक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो साहबा बाजू है, सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन खलीफतुल अव्वल, सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन खलीफतु सानी दूसरे खलीफा, वो जो होता अरबी में मौलाना ने यहाँ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत सलाम अलैकुम सलाम अस्सलाम अलैकुम कर बोल रहा नाम बोल नाम बोले अल्लाह सबको सलाम पहुँचा रहमानी बोल। सलाम पढ़ने के बाद रियाज जन्नत बाजू की शरा जन्नत की जगह होती उसे कैरी कैरी कहेंगे वो जन्नत में कैरी का तो वही वो कैरी कैरी के दो कैरी नहीं है वो कैरी का तो इलाके का नाम हुआ वो जगह में हदीस में आता है जो रियाज जन्नत में जिसने नमाज पढ़ा कसम खा लिया मैं जन्नत में नमाज पढ़ के आया। हदीस में हुजूर ने फरमाया सच्चा है झूठा नहीं, क्योंकि वो जगह है ना रियाज जन्नत की जो जगह साफ जमीन साहब है सुरूपा की तरह अल्लाह ताला जन्नत उठा दो कितनी जगह साज जमीन साहा वैसुबा को काटे के सकता है वैसुबा वैसे जगह को उठा दे बाकी की जमीन को खुरान कहता है वही दल अर्ध मुद्दत मैं जमीन को चटाई की तरह लपेट दूंगा हजीर की तरह लपेट दूंगा लेकिन ये जो टुकड़ा है कहाँ पहुंचा दूंगा जन्नत को चला दूंगा। फिर जुल्फिकार अहमद साहब रशमंदी नाम पर कहा तो हजरत हुसैन के अभी 3 साल के पहले हज में हजरत के बयान में था तो रोते रहे बयान करे एक आदमी गिरजाघर में मंदिर में गुड़ी में रहकर इंतकाल हो गया इंतकाल हो गई अफसोस नहीं होता जितना अफसोस एक आदमी हज में आया हो मोरे में आया हो जमजम पिया हो बैतुल्लाह का तवाफ किया हो और याद जन्नत में उसने नमाज पढ़ी हो और यहां में पहुंचा ये बहुत अफसोस की बात है। याद जन्नत में खूब नमती दुआ में दो रकात नमाज पढ़ना जन्नत में नमाज पढ़ने के बाद याद जन्नत ऐसा भी सुबह है कुरान में खूब मदद साथ जमीन का सबसे पहला मदद राइट सब करते रहो इंशाल्लाह तभी आपको नाम बताए बेचारे बताएंगे लोग कोशिश करते इतना नाम बताना है बहुत बड़ी बात होता है। इरादे कर लो अल्लाह हमें हज करा दे पहले हज करने का मौका इरादा करो बहुत से लोग उम्र में जाते हैं आपको बड़ी इरादे उम्र में नहीं हज फर्ज है जिसके ऊपर फर्ज है वो करो जिसके ऊपर हज फर्ज है पहले वो पागे ये तो नफी नहीं हमारा करेंगे इंशाल्लाह खूब दुआएं करो तो घाबरे मत हो जाना ना ढगलो ढगली अभी क्या भी फ्री रहो कहा मजमा भीड़ है वहां नहीं घुसो जहां तक हो सके अच्छे कास्ट की चीजें जल रहे खाओ मसलिया से ज्यादा फल जाते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं एहतियात हो साफ सुथरे रहो। अल्लाह नजीफ यूबिबुन नजाफा अल्लाह पाक है अल्लाह पाक ही पसंद करता है साफ सुथरे रहो नहीं तो हल्के रहो क्या खाई जैसा धड़ाधन 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 दालान को हावी दालान को पसीने पसीने नीचे ऊपर हा हा कहता वहाँ के फरिश्ते भी मदीने वाले सुनते कहाँ से आए रे लगा हा हा कहते अल्लाह अल्लाह छोड़ो हा हा शुरू कर वो हा हा लगने ले चले जाते अल्लाह को सब को मान मान अल्लाह को सब काइंड वाला जाता वो तो लिपु भी जाती सुदूर है। दुआ करो अल्लाह करे हमें हज नसीब कर देगा रुकावटों से बचाए गलत वो तो शुक्रिया ये ट्रांस वाले का तब